Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश जी पांडे से क्या कहना है इनके सफल आयोजन के बारे में? जी, सर्वप्रथम तो मैं परम पूज्य देवकी नंदन जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतना भव्य दिव्य आयोजन हमारे मीरा भाईंदर शहर में, मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों के लिए, मीरा भाईंदर के सभी भक्तों के लिए इतना दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। और उसके साथ ही जो आज उन्होंने यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हमारे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसलिए जो आज यहाँ पर एक भव्य दिव्य रैली निकाली, उसके लिए भी मैं उनको पूरे मीरा भाईंदर वासियों के साथ, पूरे हिंदू समाज और पूरे हिंदुस्तान की तरफ उनका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आज सही मायने में ये जरूरत है, पिछले दिनों अभी तीन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूरी तरह से हारी है, इससे भी केंद्र की सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि अब हिंदू समाज और भारत की जो जनता है वो ये चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो सके। भगवान राम हम सभी के आराध्य है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने ये हमारा आस्था का विषय है, भावना का विषय है, धर्म का विषय है। आखिर में कब तक हम अपने भगवान को फटे पुराने टेंट में बिठा के रखेंगे? मैं केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को यह चेतावनी देता हूं कि आज जिस हालात में भगवान राम अयोध्या में त्रिपाल में टेंट में वहां विराजमान है, आप भी जाइए सर्दियों में, गर्मी में, बारिश में टेंट में बैठिए तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द आपको समझ में आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या आपका ये था कि आप सरकार को जगाने गए, तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सो रही है या बीजेपी की सरकार सो रही है? जी बिल्कुल, सरकार सो रही है। देखिए, जब अटल जी की सरकार थी तब अटल जी ने ये कहा था हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदू समाज ने उसको उस बात को समझा। अब मोदी जी आए तो मोदी जी पूर्ण सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में आए। अब पूर्ण बहुमत में आने के बाद 4.5 साल तक लगातार प्रधानमंत्री देश का, जो अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, अरब में जाकर अपने छाती पीटता है, उसके बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या में वो गए नहीं। ये कितनी शर्मनाक बात है पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और उस बीच में हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने दशहरा रैली में ऐलान किया कि मैं अयोध्या जाऊंगा, तो कई लोगों को लगा कि ये बड़ी डींग मार रहे हैं क्या। लेकिन दशहरा रैली में उन्होंने 25 नवंबर तारीख का ऐलान किया और 24 नवंबर को वहां पर गए, सरयू माता की आरती किए, 25 नवंबर को रामलला जी के दर्शन किए, लाखों की संख्या में हिंदू समाज और भारतीय समाज वहां पर एकत्रित हुआ और वहां से शंखनाद हुआ। और वहां पर उद्धव साहब ठाकरे ने कहा कि ये जो सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, मैं उसे जगाने आया हूं और मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करे। और उन्होंने ये कहा कि सरकार अध्यादेश लाए संसद के अंदर। अगर वो SC/ST एक्ट पर अध्यादेश ला सकते हैं, अगर वो हलाला और 3 तलाक के लिए वहां पर अध्यादेश ला सकते हैं, तो भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, राम मंदिर जो मुद्दा से भाजपा 200 से 200 सांसदों तक पहुंची, उस मुद्दे के लिए, भगवान राम के लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते, कानून नहीं बना सकते, भगवान राम का मंदिर नहीं बना सकते? ये कितनी शर्मनाक बात है। और आने वाले समय में उद्धव साहब के नेतृत्व में शिवसेना हिंदू समाज को साथ में लेकर पूरे देश के, भारत से कन्याकुमारी और कच्छ से कालीकट तक हिंदुओं को जगाकर वहां पर, देखिए मैं बात पूरे दावे से कहता हूं, मैं प्रवक्ता हूं शिवसेना का, आदरणीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा क्या वहां पर शिवसैनिकों ने वो मस्जिद ढाई, तो उन्होंने कहा मेरे शिवसैनिकों ने ढाई तो मुझे उस पर गर्व है। और हिंदुओं पर, शिवसैनिकों पर गर्व किया हो। उसके आगे मैं कहता हूं कि अगर बिना किसी कानून के, कानून हाथ में लेकर वो मस्जिद ढाई जा सकती है,
तो भगवान राम जो हमारे आराध्य है, हम कानून हाथ में लेकर अपने खून का गारा और ईंट बनाकर वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शिवसेना और शिवसैनिक करेंगे। जय श्री राम। हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद। हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद। अपनी पार्टी ने क्या मांग की सरकार से? वहां पर उद्धव साहब ने सीधा सीधा मांग किया कि आप अध्यादेश लाइए, शीतकालीन अधिवेशन में कानून बनाइए और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करिए। यह हमारी मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा यह राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू रहेगा। आने वाले 25 दिसंबर को माननीय उद्धव साहब ठाकरे और पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदू के, पूरे हिंदुस्तान के शिवसैनिक पंढरपुर में आदरणीय विठ्ठल रखुमाई जी के भव्य मंदिर प्रांगण में एक जाहिर हिंदू सभा, धर्म सभा, राम मंदिर निर्माण के लिए भव्य सभा का आयोजन करने जा रहे हैं और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे वहां से फिर से एक बार अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो ऐसा शंखनाद और हुंकार भरेंगे। जय श्री राम।